आपकी बार वोटिंग किससे चाहते हैं आप, मशीन से या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। मशीन की तरह फ्रॉड होता है, इसे बैलेट पेपर से ही रहते। 2024 में किससे वोटिंग होनी चाहिए भाई? मशीन से। तेरे नकली आटे पड़ती हैं और वही पेपर पर लगवाओ, जो दिमाग तक चली जाती। मोदी के रे में बैलेट पेपर से। मशीन से होना चाहिए। पेपर से नहीं, उसमें टाइम बहुत लगता है। मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से। अब बैलेट पेपर पुराना हो गया। अरे बैलेट पेपर घंटा भर लगाओ, मशीन तुम्हारा धन लगी। मशीन से बैलेट पेपर। अरे मशीन से ठीक है सर, मशीन से बढ़िया है। मशीन से हम लोगों के यहाँ खतरा, हम लोग सोचते हैं मतलब वोट तक जाने किसी किस पर वो पहुंच जाती किस पर। चुनाव जो है बैलेट से होना चाहिए, बैलेट पेपर पर। मशीन से हाँ, मशीन से सही रहे। बैलेट पेपर से। मशीन से नहीं, क्यों? क्योंकि मशीन में गड़बड़ होती है ना। बैलेट पेपर से क्यों? ये बस में मालूम तो होगा किसी इस पर जा रही है, इस पर डालो, इस पर तो पहुंच जाती है उस पर। मशीन दे रहे, बैलेट पेपर दे रहे, यार कहाँ था हमका टाइम जरा। मशीन में चोरी हो रही है। चोरी होती है? फिलहाल में बैलेट पेपर वाला मामला जो था वो सही था पहले। मशीन पे ही तो भरोसा है, बाकी किसी चीज में भरोसा ही नहीं। अब जरा शुरू से शुरू करते हैं। अब देखिए चीजों को समझिए, कौन क्या कहता है, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। आइए, 2024 के चुनाव में वोटिंग किससे होनी चाहिए, उसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। चुनाव जो है बैलेट से होना चाहिए, बैलेट पेपर पर। और मशीन से? मशीन से नहीं होना चाहिए बिल्कुल कतई। क्यों? क्योंकि वहां सब नंबर क्या काम है, सब बताओ देखे लग जा रहा वोट। अच्छा, गड़बड़ी हो जाती है? जी हाँ, हर यानी 90% आदमी का कहना है कि सब एक ही तरफ जा रहा है। 2024 के चुनाव में वोट डालेंगे लोग, क्या चाहते हैं, मशीन से डालें या पेपर से डालें? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर। मशीन से नहीं। देखो भाई, ये लोग किसान लोग हैं। 2024 का चुनाव आ गया, आपकी बार आम जनता क्या चाहती है, वोटिंग मशीन से हो? मशीन से होना चाहिए। पेपर से नहीं, उसमें टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत चला जाता है जी, इसलिए मशीन से होनी चाहिए। बस बटन दबाओ निकलो। आपके हिसाब से? बस सही बात है। क्या सही बात है? वो आप किससे वोट करना पसंद करेंगे, मशीन से या बैलेट पेपर से? मशीन से। मशीन में क्या सुविधाएं हैं? सुविधा जल्दी जाओ, घंटा लगाओ नहीं पड़ता, जल्दी जाओ अपन काम कर लो, बस भाग लो। बटन दबाओ निकलो। भाई सभी बता रहे बटन दबाओ निकलो। आपकी बार वोटिंग किससे चाहते हैं आप, मशीन से या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर। मशीन से नहीं चाहते? ईवीएम नहीं, ईवीएम से वोट नहीं पड़नी चाहिए। ईवीएम से वोट नहीं पड़नी चाहिए? क्यों चाचा? ये वोट हमको शंका वोट अंत जाते हमारे कहीं और। हाँ, ईवीएम से वोट नहीं पड़नी चाहिए, ईवीएम से बतानी चाहिए वोट। अच्छा, किससे वोटिंग होनी चाहिए 2024 के चुनाव में? बैलेट पेपर। क्यों? क्योंकि मेरे मशीन की तरह नहीं चलता, मशीन की तरह फ्रॉड होता है। जी डालो कहीं और चली गई, और जाती है। जी जी, ऐसा होता है क्या? पता नहीं, पर सब लोग कहते हैं कि यही होता है। मतलब कि दुविधा में है अभी जी। अगर पेपर से वोट हुआ तो परिणाम क्या होंगे 2024 में? परिणाम में मतलब अखिलेश को हम लाना चाहते हैं। नहीं, वोटिंग किससे, मशीन से या बैलेट पेपर से? इसे बैलेट पेपर से ही रहते। अरे बैलेट पेपर होना चाहिए। बैलेट पेपर से होना चाहिए। मशीन से बैलेट पेपर से? मशीन से नहीं, बैलेट पेपर से। क्या बोल रही है भाई? बैलेट पेपर से होना चाहिए। और क्या? मशीन से नहीं। मशीन से गड़बड़ी हो जाती क्या? बिल्कुल। आइसक्रीम वाले भैया, 2024 का चुनाव आ गया है तो वोटिंग जो है आपकी मशीन से करना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से? अरे मशीन से ठीक है सर, मशीन से बढ़िया है। कुछ लोग बता रहे कि मशीन में गड़बड़ी हो जाती। अरे गड़बड़ी यहाँ बड़े बड़े जो है वो इससे गड़बड़ कर लेते हैं। इससे बोलो किससे? बैलेट पेपर से। अच्छा, गरीब आदमी को डालने नहीं देते, अपने दादे को पेल देते हैं, उसकी वोट भी डाल लें। पेपर में ये होता था? हाँ। और मशीनों से? मशीन से बहुत बढ़िया है, सुविधा मिल रही। हाँ, सुविधा मिल रही, लाइन लगती है, लाइन से जाओ अपने वोट डाल, बटन दबाओ सीधे बाहर। लाइन तो उसमें भी लगती है पेपर में? उसमें तो लगती है, उसमें चार जगह जाना होता। अच्छा, उसमें इधर अंतर लगा, उसमें मतभेद होता है, इसमें जिसको जहाँ लगाना है बटन दबाया, काम हो गया, अपना बाहर निकल के वोट। वोटिंग किससे करना पसंद करेंगे, मशीन से या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। क्यों? सब उसमें बता रहे हैं कि मतलब सब गलत हो रहा है। बता दें, मशीन में जल्दी गिनती हो जाती है, समय की थोड़ी बचत होती है। गिनती वैसे उसमें नहीं होती, उसमें भी सही होती है गिनती। उसमें तो मालूम तो है हमारी, हमने वोट उस पर दी, उसमें कोई भरोसा मशीन कोई भरोसा नहीं। क्या है क्या है? मशीन तो भरोसा नहीं है। नहीं, अब बैलेट पेपर पुराना हो गया। बैलेट पेपर पुराना हो गया, जो पुराने छोड़ते जाओ, नई चीज पे आप दुनिया नहीं आगे को बढ़ रहे हैं, क्या हम पीछे को बढ़े फिरते हैं? सही बात है। बैलेट पेपर से। मशीन से नहीं। क्यों? उससे खतरा है। खतरा कैसा है? करंट मार देता क्या? उसमें वोट नहीं जाएगी हमारी, जिसमें सोचेंगे हम लोग। हाँ, उसमें वोट नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ गड़बड़ी हो जाती क्या? हाँ गड़बड़ी हो जाती मशीन में। और बैलेट पेपर से वोट तो वो सही रहेगा। बताती, इसमें समय की बचत होती है, नहीं जल्दी हो जाती है? नहीं, मशीन से हम लोगों के यहाँ खतरा, हम लोग सोचते हैं मतलब वोट तक जाने किसी किस पर वो पहुँच जाती किस पर, रास्ता ही बदल जाती। रास्ता ही बदल जाती है, जाना होता है इधर पहुंच जाते उधर। मेरे हिसाब से बैलेट पेपर से। मशीन से? नो, मशीन से नो। जी बैलेट पेपर से। यस 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 यस, मशीन से। मशीन जो नहीं, मशीन से। हाँ मशीन से सही रहे, होती तो ऐसे मशीन से होती है, मशीन से सही रहेगी। बैलेट पेपर से। मशीन से नहीं। क्यों? क्योंकि मशीन में गड़बड़ होते है ना।
अच्छा तो आप पेपर से जाते बैलेट पेपर से? अरे बैलेट पे घंटा पर लगाओ, मशीन तुम्हारा धन लगी समय से बचत होती है मशीन से, और उसमें बैलेट पेपर टाइम लगता है। वोटिंग किससे करना पसंद करेंगे, मशीन से या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। क्यों? क्योंकि उसमें मालूम तो होगा किसी इस पर जा रही है, इस पर डालो, इस पर पहुंच जाती है। उस पर मशीन में भी तो दिखाई देता ना किसको जा रहा है। उस पर नहीं दिखा देता, बैलेट पेपर से बनना चाहिए, पेपर से होना चाहिए। हाँ पेपर से। अच्छा बताते हैं कि समय की बचत होती है मशीन से? मशीन क्या कह रहे हैं? मशीन में चोरी हो, मशीन में चोरी होती है। किससे जाते हैं आप? हम लोग बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से जाते हैं, मशीन से नहीं? नहीं मशीन से बिल्कुल नहीं। 2024 के चुनाव में वोटिंग किससे होनी चाहिए? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से जी हाँ। आपके हिसाब से भाई? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से होनी चाहिए। सर आपके हिसाब से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर, मशीन से नहीं? नहीं। चाची आप बताओ मुझे, मशीन से वोट देना अच्छा है या बैलेट पेपर से वोट देना अच्छा है? मशीन तेरे नकली वाटे पड़ती है, और वही पेपर पर लगवाओ, जैसे मायावती तक चली जाती मोदी के रे। अच्छा मायावती जी का, वो पहुंचा मोदी जी का? और का मशीन से? हाँ अब वही पर है तो ठीक है। मोहर वाली वाटा ठप्पा लगाओ? हाँ ठप्पा लगाओ, मारी मोहर लगाई ठप्पा। चाची आप बताओ काहे से, काहे से वोट काहे से? वह बैलेट पेपर थी पर अच्छी बात है। बैलेट पेपर से कोई मार नकली वाटे वाल दे वही का चली जाती अलग। हम तो सब दिन मायावती देते हैं, मोदी हरदा जीते जाते। अच्छा अच्छा चाची 2024 के चुनाव में बैलेट पेपर या मशीन? बैलेट पेपर तेरे पर है, किन वाटा है? बैलेट पेपर से। चाची आप बताओ, हमको ना पता हमारे वोट नहीं आते भैया। अरे वोटे नहीं आती, किसकी संख्या ज्यादा हो रही भाई, ईवीएम मशीन वालों की या फिर बैलेट पेपर वालों की? नीचे राय देना अपनी कमेंट करके भाई, और भी लोगों से पता करते हैं भैया। बैलेट पेपर से। हाँ मशीन से। पेपर से क्यों होनी चाहिए? मशीन हैंग हो जाती है ना, गड़बड़ी हो जाती है, हैंग हो जाती है मशीन। मशीन हैंग हो जाती है आपके हिसाब से भाई? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से होनी चाहिए जी सर। वजह बताओ मुझे। वजह ये है उसमें बेईमानी नहीं होगी, उसमें ईमानदारी का चुनाव होगा सर, और जो जीत के लिए खरा उतरेगा वो सामने आएगा। इससे हम लोगों का डॉट रहता है, कुछ पेटियां जो है सब चोरियां हो जाती हैं, और चुनाव में जो गड़बड़े हो जाता है। बैलेट पेपर से अगर हम जिसको वोट देंगे हम जानेंगे तो कि हम डिब्बे में इसको दिया और वही आएगा वोट। अम्मा नमस्ते, आपके हिसाब से 2024 के चुनाव में वोटिंग? बैलेट पेपर से। नहीं मशीन से रहे, बैलेट पेपर से रहे यार, कहाँ था हमका टाइम जरा, हम तो हाथ वाले लगे जब तक। अच्छा हमका सवेरे चारा करे गए। बात सही, मतलब समय की बचत होगी, समय की बचत है, जल्दी गई लाइन लगाई। ईवीएम मशीन से फायदे क्या है? फायदे टाइम बचेगा, पैसा बचेगा गवर्नमेंट का, पेपर कितना खर्च होगा वो तो वही है, ऑनलाइन काम तो चली रहा है। तो ईवीएम मशीन से होनी चाहिए, पेपर से नहीं होनी चाहिए। पेपर सामने हम डाल रहे हो, देख तो रहे कि हमने किस पर डाला, कितना उसमें बटन दबा दो पता चलता है कहाँ कहाँ गया है ना। बताते हैं कि उसमें समय की बचत होती, सुविधाएं बहुत है, जल्दी गए बटन दबाया अभी तक की तो उसी पर पहले पड़ता। अब ये नई मशीन चालू हुआ है सर, नया मैजिक शुरू हुआ है, तो ये मैजिक जो है आपकी बार बंद होना चाहिए, मैजिक बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर से होनी चाहिए। मशीन से? मशीन से नहीं। बैलेट पेपर से क्यों? बैलेट पेपर सही रहा थे ना, कोई मैं का पता नहीं चल रहा ना, कुछ गड़बड़ी हो जा रही। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये वाली कहानी क्या? सही है मशीन या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से पसंद करा। बैलेट पेपर से। मशीन से? नहीं नहीं। क्यों? अरे वरना घोटाला हो रहा है, बताते हैं समय की बचत होती है। समय की बचत क्या होते? बैलेट पेपर। मशीन से? नो। बताते समय की बचत होती है? नहीं समय की तो बचत होती है, लेकिन मुतमईन नहीं होती पॉलिटिक्स। अच्छा बैलेट पेपर से मुतमईन हो जाएगी। अच्छा बैलेट पेपर से ही सही रहे। मशीन से? मशीन से तो कोई मतलब सही वो भी है, फिलहाल में बैलेट पेपर वाला मामला जो था वो सही था पहले का। बैलेट पेपर वाला मामला सही है, मशीन से नहीं? मशीन से तो कुछ लफड़ा भी हो जाता है, इधर उधर कुछ हो जाता है ना, मशीन से लफड़ा हो जाता है। हाँ मैंने सुना है, बाकी हमें तो पता नहीं है। बैलेट पेपर से। मशीन से? मशीन से। क्यों? लफड़ा होता है, सुने हमको सुनने मिला है, मतलब जो है। अच्छा तो इस लफड़े को दूर करने की कोशिश है इस बार? मशीन से। मशीन से बेस्ट है, मशीन से करूँ। हाँ भाई ठीक है। बैलेट पेपर नहीं करूँगी? नहीं नहीं, मशीन पे भरोसा है। हाँ, बहुत भरोसा मशीन पे ही तो भरोसा है, बाकी किसी चीज पे भरोसा ही नहीं है। मशीन पर ही भरोसा है? हाँ। और किसी चीज पे भरोसा नहीं? नहीं, 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 नहीं। मशीन से ठीक है। फायदे क्या है? सुविधा रहती है। सुविधा रहती है इसमें? सुविधा रहती है जी। तो मशीन से जी लॉक किया जाए जी। तो 2024 के चुनाव में वोटिंग किससे होनी चाहिए? मशीन से। पेपर से या मशीन से? मशीन से देंगे। आजकल इंडिया डिजिटल इंडिया चल रही है, मशीन से ज्यादा सुविधा रहती है, उसमें ये भी कंफर्म होता है कि वोट वही जाएगा ना, सीधे वही रहते। बदलते दौर में बदलती बात। मशीन या बैलेट पेपर से? मशीन से। मशीन से जी। पेपर वाला ऐसा समय गया, वो दौर चला गया, दौर चला गया, वो दौर की पिक्चर दिखाते थे बैलेट लेके जा रहे हैं और चोरी हो गई। मशीनें क्या हो जाती, बदल जाती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, हो जाती बदल, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो कहने को तो दुनिया कुछ भी कहती मगर ऐसा नहीं है। तो बातें हैं बातों का। खैर 2024 के चुनाव में आपके हिसाब से वोटिंग किसे होनी चाहिए, मशीन या बैलेट पेपर? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ दशा, क्या प्रोफेसर रोहित के साथ मोहित लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।